वेलकम टू मेडिकल ओशन। टुडे आवर टॉपिक इज वाइटल साइन पार्ट टू। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड दैट वी हैव फाइव वाइटल साइन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज नॉट वाइटल साइन, इट्स ट्रेडिशनल वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड पेन। If you are unsure about your patient condition, take vital sign. You are never wrong for doing this. जब भी आपको मरीज की कंडीशन का पता ना हो तो हम क्या करते हैं, हम vital sign लेते हैं। vital sign हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक है। जब भी हम मरीज़ को एडमिट करेंगे, मरीज़ को हमारे पास आता है, उसके कंडीशन का पता बगैर वाइटल साइन का हमें नहीं चलता। जब तक हम वाइटल साइन नहीं लेते तब तक हमें मरीज का पता नहीं चलता। वाइटल साइन कैन बी डिफाइन एज द क्लिनिकल मेजरमेंट, स्पेसिफिकली पल्स रेट, टेम्परेचर, रिस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, दैट्स इंडिकेट द स्टेट ऑफ पेशेंट इंस्टेंशनल बॉडी फंक्शंस। वाइटल साइन हमारे पास किस तरह डिफाइन होता है, क्लिनिकली मेजरमेंट, क्लिनिकली हम इसको मेजरमेंट करते हैं। इसके हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज हैं, उस नॉर्मल वैल्यू से अप एंड डाउन होगा तो वाइटल साइन हमारे पास क्या होंगे, डीरेंज होंगे, चाहे वो पल्स हो, टेम्परेचर हो, रिस्पिरेटरी रेट हो, ब्लड प्रेशर हो या पेन हो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है बॉडी की फंक्शंस के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट रेट ठीक है तो आपका बॉडी नॉर्मल वर्क करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, हार्ट रेट ठीक नहीं है तो आपका बॉडी नॉर्मल काम नहीं कर सकता है। इंट्रोडक्शंस। वाइटल साइन आर इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर फंक्शन ऑफ द बॉडी, चेंज इन फंक्शन दैट अदरवाइज माइट नॉट बी ऑब्जर्व। वाइटल साइन आर एलिवेटेड विद रेफरेंस to the client present and prior health status normal standard. Monitor a client vital sign should not be an automatic or routine procedure. It should be thoughtful scientific assessment. Vital sign हमारे पास routine procedure नहीं है। Vital sign हमारे पास change होते हैं according to disease process. हर इंसान का वाइटल साइन दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, डिजीज़ के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से वाइटल साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसलिए हम उसको रूटीन प्रोसीजर में नहीं डालेंगे। अगर एक मरीज़ को नीड हो तो हम 30 मिनट्स बाद भी वाइटल साइन चेक करेंगे, 15 मिनट्स बाद भी चेक कर सकते हैं, 1 आवर बाद भी चेक कर सकते हैं, 2 आवर बाद भी चेक कर सकते हैं। रूटीन में जिस तरह हम वार्ड में चेक करते हैं 4 आवरली, 6 आवरली, वही भी हम चेक कर लेंगे। अगर आप वाइटल साइन को चेक नहीं करते हो, उसके बगैर आपको मरीज की कंडीशन का पता नहीं चलता है। वाइटल साइन में हमारे पास क्या क्या है, जिससे प्रीवियस हमने पढ़ा, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स, टेम्परेचर, ये कॉमनली हमारे पास चार जो है ये कॉमनली हमारे पास यूज़ होते हैं। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो आपके पास ट्रेडिशनल वाइटल साइन है, साथ साथ में हमारे पास क्या है, पेन है। क्या है, रिसेंटली मेनी एजेंसी सच एज वेटरनियर्स एडमिनिस्ट्रेशन हैव डिज़ाइन पेन इज आ फिफ्थ वाइटल साइन। एमसीक्यूज में आ सकता है कि पेन आपके पास कौन सा वाइटल साइन है, फिफ्थ वाइटल साइन है। पल्स ऑक्सीमेट्री इज आल्सो कॉमनली मेजर इज सेम टाइम एज द ट्रेडिशनल वाइटल साइन। जैसा मैंने बताया, पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास क्या है, एक आला है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं। ओ टू हम परसेंटेज में हम लेते हैं, नॉर्मल हमारे पास कितना है, 92 to 100% है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गाइडलाइन। जब भी आप वाइटल साइन चेक करते हो तो उसकी मेजरमेंट की हमारे पास क्या है, गाइडलाइन है। मेजर वाइटल साइन इज स्टॉक्स ऑफ ऑरिन, यू मे डिलीगेट द टास्क इन स्टेबल सिचुएशन।
वाटल साइन को मेजरमेंट करना जो है वो रजिस्टर आरएन मींस रजिस्टर नर्स, रजिस्टर नर्स जो होता है वही वाटल साइन चेक करेगा। असिस इक्विपमेंट आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। वाटल साइन के चेक करने से पहले आप क्या करोगे, इक्विपमेंट चेक करोगे कि आपके इक्विपमेंट काम करते हैं या नहीं। अगर आपके इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो फिर आपको वाटल साइन का सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो तो आप क्या कर लो, उसके ऊपर लिखो आउट ऑफ ऑर्डर और साइड पे रखो, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वाला बंदा आ जाए उसको पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेलेक्ट ऑफ अप्रोप्रिएट साइज़, फिर आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट साइज़ आपने सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपके पास बीपी कफ है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम अप्रोप्रिएट साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे। अप्रोप्रिएट साइज़ में हमारे पास स्मॉल बीपी कफ आता है, मीडियम आता है, लार्ज आता है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आता है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स साइज हम क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास नो द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। अगर आपको मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का पता हो तो इट्स मींस आपको फिर हेल्पफुल देता है वाइटल साइंस लेने में या उसके अप एंड डाउन में। कंट्रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर विच मे अफेक्ट साइन। स्टार्ट में हमने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके वाइटल साइन पे इफेक्ट कर सकता है। यूज़ ऑर्गेनाइज सिस्टमिक अप्रोच, आपने कौन सा अप्रोच किया, ऑर्गेनाइज सिस्टमिक अप्रोच आपने यूज़ किया है। ऑर्गेनाइज सिस्टमिक अप्रोच क्या है कि जब भी आप वाइटल साइन चेक करते हो, ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेशंस, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेन, साथ एक साथ आपने सबको चेक करना है ऑर्गेनाइजिंग तरीके से। उसके बाद क्या है आपके पास कि वेन टू असेस वाइटल साइन, कब हम असेस करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास रूटीन प्रोसीजर नहीं है, इसलिए हम कब कब उसको हम असेस करते हैं, ऑन एडमिशंस टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा, एडमिशन के टाइम पे, ताकि हम ऑब्टेन कर लें बेसलाइन डेटा, बेसिक डेटा हम मालूम करें कि मरीज़ आपके पास किस कंडीशन में एडमिट हो रहा है या आया है। चेंज इन हेल्थ स्टेटस, अ रिपोर्ट ऑफ अनयूजुअल सिम्टम्स, मरीज़ की हेल्थ स्टेटस में चेंज आ गया, अब मरीज़ की साइंस सिम्टम जो वो डीरेंज हो गए, उस मरीज़ को नॉर्मल की हालत से वो एबनॉर्मल की हालत पे चला गया, तो उस टाइम हम चेक करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी आर इन्वेंसिव प्रोसीजर, कोई भी इन्वेंसिव प्रोसीजर, चाहे आप आईवी क्यों ना पास क्यों ना करो, उससे पहले भी हम वाइटल साइन चेक करते हैं। एनजी पास करते हैं तब भी हम वाइटल साइन चेक करते हैं, क्योंकि जब भी आप एनजी ट्यूब पास करते हो उस टाइम आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन मस्ट चेक करना है, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा हम प्रोसीजर करते तो उस टाइम मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। साथ में हमारे पास क्या है, सर्जरी के बाद जब मरीज़ आता है तो आपने लाजमी उसकी वाइटल साइन चेक करना है। अगर आपने मरीज़ की वाइटल साइन चेक नहीं की और मरीज़ को अपने बेड पे डाला, मरीज़ एक्सपायर हुआ, रास्ते में एक्सपायर हुआ या ओटी में एक्सपायर हुआ था, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मरीज़ जो है आपने रिसीव करते वक्त आपने वाइटल साइन नहीं लिए हैं। बिफोर एंड आफ्टर एडमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस दैट कुड अफेक्ट वाइटल साइन, मेडिसिन के देने से पहले और मेडिसिन के देने के बाद आपने क्या करना है, वाइटल साइन को आपने चेक करना है। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशंस दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइन, नर्सिंग इंटरवेंशंस के पहले और बाद में आपने क्या करना है, चेक करना है किस चीज़ को, वाइटल साइन को। एज हॉस्पिटल रूल्स टू कीप रिकॉर्ड, हॉस्पिटल की रूल के हिसाब से कॉमनली हमारे हॉस्पिटल में 4 hourly या 6 hourly चेक होता है। जो आपके पास क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं उसमें 30 minutes या 1 hour के बाद हम चेक करते हैं। ICU, CCU में 30 minutes, 1 hour, वार्ड में 4 या 6 hour चेक होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पल्स पढ़ेंगे। पल्स आपके पास क्या है, द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 chambers हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, बॉडी को ब्लड पहुंचता है थ्रू एओर्टा, तो उससे क्या होता है आपके पल्स डेवलप होता है। जनरली द पल्स वेव रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एंटर्स द आर्टरीज विद ईच वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। जब कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड आपके वेसल के अंदर पुश होता है तो उसकी वजह से वेव्स डेवलप होते हैं, और उस वेव्स को हमारे पास क्या होते हैं, फील होते हैं, सेंट्रल में भी पेरिफेरल में भी।
In a healthy person, the pulse reflect the heartbeat, that is, the pulse rate is the same, the rate of the ventricle contractions of the heart. However, in some types of cardiovascular disease, the heartbeat and pulse rate can be differ. हार्ट रेट एंड पल्स रेट आपके पास क्या होगा, सेम होगा. सेंट्रल जो आप फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस चेस्ट में स्टेथोस्कोप की थ्रू चेक करते हो, और पेरिफ्रिल्स रेडियल पल्स हो या आपके पास पॉपलीटल पल्स हो, जो भी हो वो सेम होता है उसका रेट. लेकिन कुछ डिजीज जो है उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसमें डिफरेंस आ सकता है. फिजियोलॉजी ऑफ पल्स, पल्स की फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है. हमारे पास पल्स हमें किस तरह पता चलता है, ECG की तरह हमें पता चलता है. P Q R S T वेव्स उसमें होते हैं जो हमें नज़र आता है, तो इस वेव की तरह हमें क्या पता है, चलता है. फिर हमारे पास पल्स हम कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं, मेनली पेरिफेरल पल्स एक होता है, एक आपके पास एपिकल पल्स होता है. पेरिफेरल पल्स वही पल्स आपके पास होता है जो अवे फ्रॉम द हार्ट, फॉर एग्जाम्पल इन द फुट एंड रेस्ट, जो आपके हाथों में और पाँव में जो पल्स है उसको हम पेरिफेरल पल्स कहते हैं, एपिकल पल्स. सेंट्रल पल्स उसको भी हम कह सकते हैं, दैट इज लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ द हार्ट, ये आपके हार्ट के एपिक्स में लोकेटेड है. इट इज आल्सो रेफर एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कह सकते हैं. सेंट्रल पल्स भी कह सकते हैं, एपिकल पल्स भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कह सकते हैं. MCQs में यह आ सकता है कि पेरिफेरल पल्स आपने पहचाना है, एपिकल्स पेरिफेरल अवे फ्रॉम द सेंट्रल, हाथों में पाँव में, एपिकल पल्स फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जो आपके चेस्ट में उसी में फील होता है. उसके बाद आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, एज इंक्रीज, जैसा एज इंक्रीज होता है द पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीज, पल्स रेट क्या होगा, कम होगा. अब MCQs में अगर आता है ओल्ड एज में है तो अब उसका पल्स रेट क्या होगा, कम होगा. बच्चा पैदा हुआ उसका पल्स रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है. जिस तरह आपको ये न्यू वंस टू थ्री मंथ्स के पल्स रेट क्या होता है, जब वो एवोक हो मीन्स स्लीपिंग में ना हो, 85 to 205, स्लीपिंग में 80 to 160 होता है. थ्री मंथ टू टू ईयर 100 to 190, जब पेशेंट एवोक होता है 75 to 160, जब पेशेंट स्लीपिंग में हो. 2 to 10 ईयर में क्या होता है, 60 to 140 एवोक में होता है, 60 to 90 स्लीपिंग में. मोर देन 10 ईयर पे 60 to 100, जो हम कॉमनली हम कहते हैं कि आपके पास नॉर्मल हार्ट रेट का रेंज कितना है, 60 to 100 है, और स्लीपिंग में 50 to 90. तो ये आपके पास क्या है, पल्स की हार्ट रेट है. यही बात आपने याद रखनी कि बच्चों में पल्स आपके पास क्या होता है, ज़्यादा होता है. एज के हिसाब से पल्स क्या होता है, ग्रेजुअली कम होगा. फिर कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपका पल्स. जेंडर्स, आफ्टर प्यूबर्टी द एवरेज मेल पल्स रेट इज हाईली लोअर देन फीमेल. मेल का पल्स रेट क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद कम होगा एज कम्पेयर टू फीमेल. फीमेल्स में हार्मोन्स की एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसमें पल्स ज़्यादा होता है. एक्सरसाइज हम देखते हैं, आप सीढ़ियों पे नीचे ऊपर जाते हैं तो आपका पल्स रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है. सांस फूलना स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से हार्ट रेट आपको ज़्यादा होता है. तो इस वजह से द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीज विद एक्टिविटी, एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है. द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोफेशनल एथलीट्स ऑफन लेस देन इन द एवरेज पर्सन बिकॉज द ग्रेटर कार्डिक साइज स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी. MCQs में आ सकता है MCQs कि एथलीट्स का पल्स नॉर्मल होगा या नॉर्मल हेल्दी पर्सन से क्या होगा, कम होगा. कम होगा क्योंकि उसका हार्ट रेट आपके पास, हार्ट साइज क्या है, बड़ा है, इस वजह से उसका पल्स रेट क्या होगा, कम होगा हमारे पास. नेक्स्ट फीवर, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपका पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ लोअर ब्लड प्रेशर्स then result from peripheral vasodilation is associated with elevated body temperature and because of increase metabolic rate. metabolic rate increase होता है, vasodilation हो जाती है, इस वजह से आपका क्या होता है, pulse rate increase होगा fever की वजह से. medication depend करता है, some medications आपका heart rate increase कर पाएँ और कुछ medication आपका heart rate
डिक्रीज करता है। हाइपोवोलीमिया, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वास्कुलर सिस्टम्स नॉर्मली इंक्रीज द पल्स। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या डायरिया है या कोई और मसला है जहाँ पे आपका हाइपोवोलीमिक शॉक आपको हुआ, तो उसमें आपको क्या होगा, हार्ट रेट आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए वो जल्दी पंपिंग करता है ताकि ब्लड जो है आपकी बॉडी तक पहुंच जाए। स्ट्रेस, इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस सिंपथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। फियर एंड एंजाइटी एज विल एज परसेप्शंस ऑफ सीवियर पेन स्टिमुलस दैट सिंपथेटिक सिस्टम। अब सिंपथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता है। स्ट्रेस में आप हो या फियर हो या एंजाइटी हो, उसकी वजह से आपका हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो। एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर एक कुत्ता है वो एक इंसान के पीछे दौड़ता है तो उस टाइम उसका हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होगा। अच्छा, एक बंदा बैठा है अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो उस टाइम क्या होता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हाइपोवोलीमिक शॉक भी याद रखो, उसमें हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोजीशन, व्हेन अ पर्सन इज इन सिटिंग और स्टैंडिंग ब्लड यूजुअली पूल इन डिपेंडेंट वेसल ऑफ द वेनस सिस्टम। पूलिंग रिजल्ट इन द ट्रांजिट डिक्रीज इन द वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। पोजिशन की वजह से आपका हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आप सिटिंग पोजिशन में हो या स्टैंडिंग पोजिशन में, तो उसके हिसाब से क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। पैथोलॉजिकल हार्ट कंडीशन की वजह से आपके इम्पेयर होता है ऑक्सीजन सिचुएशन, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट क्या होता है कि इंक्रीज हो सकता है। अब हम पल्स को किस तरह असेस करते हैं, अ पल्स इज कॉमनली असेस बाय असेसिंग द पल्स। अ पल्स इज कॉमनली असेस बाय पल्पेशंस, फीलिंग एज ऑस्कल्टेशन, हियरिंग। दो तरीकों से हम पल्स चेक करते हैं। एक पल्पेशन, पल्पेशन क्या है, थ्री फिंगर हम रखते हैं जिसकी वजह से हम पल्पेट करते हैं, उसकी वजह से हमें फील होता है, तो हमारे पास पल्स है। वन मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। सेकेंडली आपके पास ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन हम थ्रू स्टेथोस्कोप हम उसको सुनते हैं, स्टेथोस्कोप थ्रू हम सुनते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम कॉमनली हमारे पास जो एपिकल पल्स है वही हम सुनते हैं। द मिडल थ्री फिंगर आर यूज फॉर पल्पेशन एट द साइड, स्टेथोस्कोप मे बी यूज फॉर असेसिंग एपिकल पल्स। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप इज यूज द पल्स दैट आर डिफिकल्ट टू असेस। अगर आपके पास एक पल्स फील नहीं होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें यही पता चलता है कि कितने परसेंट ब्लड की फ्लो है, वेसल जो है वो आर्टरी जो है वो ब्लॉक है या उसमें कुछ फ्लो जो है वो जा रही है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है। पल्स साइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आरएसवी में भी आ सकता है केएमयू की, और वैसे भी आप जब भी पेशेंट की चेक करते हो तो इट्स बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेम्पोरल कैरोटिड एपिकल ब्रैकियल रेडियल फेमोरल पॉपलीटल डॉर्सल पेडस एंड पोस्टीरियल टिब है। ये फिंगर टिप पे याद करना चाहिए, 9 पल्स पे से फिंगर टिप पे याद करना चाहिए, आरएसवी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। असेसिंग पल्स, जब भी हम पल्स को असेस करते हैं उसमें हम रेट मालूम करते हैं। रेट आपके पास क्या है, टिकीकार्डिया। टिकीकार्डिया उसको हम कहते हैं जब आपके पास हार्ट रेट 100 से इंक्रीज होगा। सेकंड पे क्या है, ब्रैडीकार्डिया। जब आपके पास हार्ट रेट 60 से कम होगा तो उसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। रिदम हमारे पास क्या है, रेगुलर वही है हमारे पास। हम रिदम हम ECG में मालूम करते हैं। आर आर वेव इंटरवल के बीच में हम क्या मालूम करते हैं,
स्पेस को मालूम करते हैं, उससे हमें रिदम का पता चलता है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर आर आर टू आर वेव के बीच में स्पेस ज़्यादा था, नेक्स्ट में कम था, तो हमारे पास इरेगुलर। सब लीड टू में सब आर आर वेव के बीच में स्पेस सेम था, तो इट्स मीन्स क्या है, आपके पास रेगुलर है। असेसिंग पल्स वॉल्यूम पल्स स्ट्रेंथ आर एम्पीट्यूड। वॉल्यूम और एम्पीट्यूड हम मालूम करते, तो हमने पढ़ा था कि एम्पीट्यूड हमारे पास क्या है, आगे स्लाइड में है, बॉन्डिंग है आपके पास या एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब है कि पल्स नहीं है, बॉन्डिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीडली वो पल्पेट होता है आपका। इलास्टिसिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स, हम इलास्टिसिटी हम देखते हैं। इलास्टिसिटी में हम दो चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेट स्मूथ सॉफ्ट है या ट्विस्टेड है। ये इमेज में भी आप लोगों को दिखाई देता है कि स्ट्रेट स्मूथ सॉफ्ट जो है वो फर्स्ट वाला है, जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, ट्विस्टेड है। ये हमारे पास दो तरीक़ों से होता है, एक एज की वजह से भी होता है, दूसरा जब आपके वाल्स कमज़ोर हो जाते हैं, मसल वाल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ट्विस्टेड हो जाते हैं। बायलेटरली इक्वल, दूसरा हम देखें बायलेटरली पल्स, बायलेटरली सेम है कि सेम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है असेसिंग पेरिफेरल पल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि उसमें हम रेट देखते हैं। रेट में हम क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। हम रेट किस तरह काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितने बीट कर लिए। 60 to 100 आपके पास क्या है, नॉर्मल है रिदम। द रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स, रेगुलर बीट्स हैं या इरेगुलर हैं। साइमेट्रीज, दोनों साइड का, अगर आपने एक हाथ का चेक किया दूसरे हाथ का भी चेक कर लो, दोनों हाथों का सेम है कि सेम नहीं है। एम्पीट्यूड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हम पढ़ते हैं, जीरो एब्सेंस और नॉल पल्पेबिटल। अगर पल्पेट नहीं होता है तो इट्स मीन जीरो है, एब्सेंट है। वन वीक, बहुत ज़्यादा स्लोली पल्पेट होता है। टू नॉर्मल, एमसीक्यूज में आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ, फिर आपको दिया जाएगा कि प्लस टू हम बाउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीज के लिए, नॉर्मल के लिए, वीक के लिए। तो पल्स टू हम नॉर्मल के लिए, पल्स थ्री इंक्रीज के लिए, पल्स फोर हम बाउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद पल्स हो गया, उसके बाद रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। ये क्या है, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन रिफर टू इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, एक्सहेल और एक्सहेल रिफर टू ब्रीथिंग आउट ऑफ द मोमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। वेंटिलेशन इज आल्सो यूज्ड टू रेफर टू द मोमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। ईयर को हम इन करते हैं, आउट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग क्या है, सांस ले लिया, सांस निकाल लिया, ये क्या है, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। सांस ले लिया, सांस निकाल लिया, ये आपके पास वन रिस्पायरेशन हुआ। सांस को इन करना, आउट करना, ये आपके पास क्या हुआ, वन रिस्पायरेशन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन है। कोस्टल थोरेसिक चेस्ट ब्रीथिंग है आपके पास, मूवमेंट ऑफ चेस्ट अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड चेस्ट मूवमेंट, तो उसको हम कहते हैं कोस्टल थोरेसिक चेस्ट ब्रीथिंग कहते हैं। डायफ्रामिक एब्डोमिनल ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिन विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स किड्स आर एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अगर बच्चे जिस तरह ब्रीथिंग थे वो नॉर्मल ब्रीथिंग है, बच्चे जब भी एब्डोमिन से ब्रीथिंग रहते हैं वो हमारे पास नॉर्मल है। जब एडल्ट एब्डोमिन यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए तो उसको हम लेबर ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर ब्रीथिंग। एमसीक्यूज में ये आ सकता है, बच्चों में एब्डोमिनल ब्रीथिंग नॉर्मल है, बड़ों में क्या है, लेबर ब्रीथिंग उसको हम कहेंगे। देखो इसके साथ साथ आप सांस ले लो, टू हो गए। फैक्टर इफेक्ट रिस्पायरेशन कौन कौन से हैं, इंक्रीज किस वजह से होता है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, रिस्पायरेटरी इंक्रीज होगा। स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट कंडीशन होगा तो उसकी वजह से भी रिस्पायरेटरी इंक्रीज होगा। एनवायरमेंटल टेम्परेचर,
टेम्परेचर की वजह से भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हुआ, लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट इंक्रीज एल्टीट्यूड, पहाड़ों के ऊपर जब हम जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। अब डिक्रीज़ कब कब होगा, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें इंक्रीज़ कब कब होता है और डिक्रीज़ कब कब होता है। डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सर्टन मेडिकेशन, नारकोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, नारकोटिक्स जो है उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिस्पायरी रेट क्या होता है वो कम होगा। इंक्रीज इंटाक्रीनल प्रेशर, अगर इंटाक्रीनल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से भी आपका रिस्पायरी रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज कब कब होता है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स, हाई एल्टीट्यूड। डिक्रीज कब कब होगा, डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स, सर्टन मेडिकेशन, नारकोटिक्स, इंक्रीज इंटाक्रीनल प्रेशर। अब असेस किस तरह करेंगे, उसमें हमारे पास चार चीज़ें हैं। नंबर वन, यूपनिया। यूपनिया मींस ई से यूपनिया जब आता है तो इट्स मींस नॉर्मल रेस्पिरेशन, क्या है ई मींस नॉर्मल रेस्पिरेशन, ए आया तो इट मींस ए मींस एब्सेंट, ए मींस एब्सेंट, इक्वली कर लो इक्वली सेम है, ए मींस एब्सेंट। टेकिपनिया इंक्रीज होता है नॉर्मल से, ब्रेडिपनिया डिक्रीज होता है नॉर्मल से। नॉर्मल हमारे पास कितना है, 12 to 20, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है लेकिन हम 12 to 20 एडल्ट में हम काउंट करते हैं। यूपनिया मींस नॉर्मल रेस्पिरेशन, याद रखना ये एमसीक्यूज में आएगा। एपनिया मींस एब्सेंट, टेकिपनिया मींस इंक्रीज, ब्रेडिपनिया मींस डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल रेंज। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपके पास न्यू बॉर्न 6 वीक तक क्या होता है, 30 to 60 होता है। फिर इन्फेंट्स, इन्फेंट में क्या होता है, 6 to 6 months 25 to 45 होता है। टोल्डर्स से 1 to 3 ईयर में 20 to 30 होता है। यंग चाइल्ड में 20 to 25 होता है। 10 to 14 ईयर में फिर 15 to 20s। फिर एडल्ट में क्या होता है, 12 to 20। ये आप एज के हिसाब से इसको आप याद कर लो, एमसीक्यूज में भी ये आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास नॉर्मल रिस्पायरेशन डेप्थ, शेलो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन डेप्थ शेलो रिस्पायरेशन होता है। रेगुलर नॉर्मल में, रेगुलर में रिस्पायरेटरी रिदम हम देखते हैं कि रेगुलर है या इरेगुलर है। एक हम देखते हैं रिस्पायरेटरी डिप, डिप आपके पास क्या होगा, या नॉर्मल होगा या डीप होगा या शेल होगा, तीन चीज़ें होंगे। सेकंड पे हम क्या देखते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। रिस्पायरेटरी क्वालिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स, एफर्टलेस ब्रीथिंग, एफर्टलेस ब्रीथिंग मीन्स कि वो कोई एफर्ट यूज़ नहीं करते, इसी से मसल यूज़ नहीं करते हैं, इसी से मसल इंटरकोस्टल मसल एब्डोमिनल मसल यूज़ नहीं करते, नॉर्मल वो एफर्टलेस, जिस तरह आप लोग ब्रीथिंग लेते हो अभी इस तरह नॉर्मल ब्रीथिंग वो लेता है। ब्रीथिंग विथ सबस्टेनल एफर्ट लेबर ब्रीथिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि डायफ्राम यूज़ करते हैं, इंटर कॉस्टल मसल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वो ब्रीथिंग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेबर ब्रीथिंग कहते हैं। हाइपो वेंटिलेशन रिफर टू शेलो ब्रीथिंग, अगर एमसीक्यू में आ सकते हैं, अगर एक मरीज आपके पास शेलो ब्रीथिंग कर रहा है तो वो हाइपो वेंटिलेशन में होगा या हाइपर वेंटिलेशन में होगा, जी हाइपो वेंटिलेशन में होगा। हाइपर वेंटिलेशन, अगर मरीज डीप रैपिड ब्रीथिंग करता है तो आपके पास हाइपर वेंटिलेशन में होगा, ये चीज़ याद रखना। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन कौन से ब्रीथिंग पैटर्न की वजह से होता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद कुछ टर्म्स है, इस टर्म्स को आपने याद रखना है। टेकिपनिया, टेकिपनिया मीन्स आपका रिस्पायरी रेट 20 से ज़्यादा है नॉर्मल एडल्ट में। ब्रेडिपनिया 12 से कम है। एपनिया एब्सेंट है। डिस्पनिया डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। ऑर्थोपनिया लाइंग पोजीशन पे पैर करते हो सांस को नहीं लेते। हेमिप्टेसिस, हेमिप्टेसिस ब्लड इन स्पूटम प्रोडक्टिव कफ। सेकंड पे क्या है, नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का क्या मतलब है कि जब आपके पास स्पूटम आते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ की क्या मतलब है कि जब आपके पास स्पूटम नहीं आते। फिर स्पूटम जब भी आपके पास आते हैं तो स्पूटम में हम क्या देखते हैं, कोका हम देखते हैं। कोका का मतलब क्या है, कोका का मतलब क्या है, सी मीन्स कलर,
O means order, C means consistency, A means amount. स्पूटम में हम ये चार चीज़ें देखते हैं कोका, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, टेकिपनिया जब आपके पास ज़्यादा होता है, ब्रिडिपनिया कम होता है नॉर्मल लेवल से, एपनिया एब्सेंट होता है, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑर्थोपनिया पोजीशन की वजह से चेंज होता है आपके पास, हेमिप्टेसिस ब्लड इन स्पूटम, एक हेमिप्टेसिस है एक हेमिप्टेमेसिस है, मिसिस का मतलब क्या है ब्लड में जो ओमेटम होता है और हेमिप्टेसिस स्पूटम में होता है, प्रोडक्टिव कफ नाम प्रोडक्टिव कफ आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम किस चीज़ पे आते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड एज इट फ्लो थ्रू द आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल में जैसे ही आपके पास फ्लो होता है उस प्रेशर को हम मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, एमसीक्यू में ये आएगा कि पल्स प्रेशर आपके पास क्या है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में आपके पास डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। अब आपके पास सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है, पहले तो आप उन दोनों को पहचान लो। सिस्टोलिक आपके पास क्या है, सिस्टोलिक में आपके पास प्रेशर ऑफ द ब्लड इज रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, दैट इज द प्रेशर ऑफ द हाइट ऑफ द ब्लड वेव्स। जैसे ये आपके पास क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। ये हमेशा आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड पे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट, जब वेंट्रिकल आपके पास रेस्ट पे होता है, डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज द लोअर प्रेशर प्रेजेंट एट ऑल द टाइम विद इन द आर्टरीज। ये हमेशा आपके पास लोअर प्रेशर होता है, हमेशा किस चीज़ में, आर्टरी में आपके पास क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त आपके पास क्या होता है जी बताओ, फर्स्ट साउंड जब आप सुनते हो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। जब साउंड गायब होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक हम कहते हैं। समझ आ गई, जब आपके पास साउंड स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, जब आपके पास साउंड ख़त्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। एक बात और याद रखना कि पल्स प्रेशर हम किस तरह चेक करेंगे, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। आपके पास जो सिस्टोलिक है उससे हम क्या करते हैं, डायस्टोलिक को हम माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, पल्स प्रेशर आता है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि फाइंड द पल्स प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर NIBP का मतलब क्या है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर 70/45 है, 70 आपके पास सिस्टोलिक है, 45 आपके पास डायस्टोलिक है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे, हमने फार्मूले में पढ़ा कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कौन सा था 70 और डायस्टोलिक क्या है 45, तो 70 माइनस 45 इज इक्वल टू 25 mmHg आपके पास क्या हुआ, पल्स प्रेशर। फिर एज के हिसाब से आपके पास ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप चार्ट्स में देखो एज के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होता है। नॉर्मल आपके पास 120/80 है, 139 तक आपके पास नॉर्मल है, उसको हम उसको फिर हम प्री हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपके ब्लड प्रेशर को, ऑलरेडी हमने पढ़ा, एक्सरसाइज की वजह से इंक्रीज होता है, स्ट्रेस की वजह से वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम डेवलप होता है, उसकी वजह से आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा होता है, बहुत चाइल्ड हुड एंड एडल्ट ओबेसिटीज, ओबेसिटी जो है मेन कॉज है आपके पास ब्लड प्रेशर का, तो इस वजह से ओबेसिटी को मेंटेन रखना चाहिए। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन जिसकी वजह से आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, स्पेसिफिकली आइनोट्रॉपिक सपोर्ट जो है आपके पास, डिजीज प्रोसेस, कुछ कंडीशन जो है उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। एनी कंडीशन इफेक्ट द कार्डिक आउटपुट, जो कार्डिक आउटपुट को इफेक्ट करता है ब्लड वेसल में, या ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड बहुत ज़्यादा विस्कस है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कंप्लेंस ऑफ आर्टरी एंड डायरेक्ट इफेक्ट द ब्लड प्रेशर।
अगर कोई आर्टरी में स्टिनोसिस है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके ब्लड प्रेशर पे। असेसिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द ब्लड प्रेशर कफ, स्फिग्मोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। तीन चीज़ें आपके पास चाहिए, एक आपके पास कफ चाहिए, जो आपके पास सामने कफ है, ब्लडर लेंथ आपके पास चाहिए, वेंट हो, फिर ट्यूब ऑफ स्फिग्मोमीटर्स हैं आपके पास, बल्ब है और वाल है, ये आपने याद रखना। दूसरा आपके पास स्टेथ चाहिए, स्टेथ में आपके पास चेस्ट पीस है, डायफ्राम है, स्टेम है, ट्यूब है, ईयर पीसेस है, ये आपने इसके पार्ट्स लाजमी याद रखने। ये आपके पास क्या है, स्फिग्मोमीटर है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस पे मैं आसपी का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को फिर तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम चेक करते हैं, लेकिन कॉमनली आप इधर पे जस्ट सीख लो कि किस तरह ये साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, साउंड का सीख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कफ बांधते हैं, जब भी हमने कफ बांधा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रेशर देते हैं। प्रेशर कितना देंगे वो मैं उसमें बताऊँगा आसपी में, सही तरीका जो है, लेकिन हम प्रेशर देते, जब जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, साउंड जो है वो स्टॉप होता है, क्या होता है, साउंड स्टॉप होता है, पल्स आपको फील नहीं होता है। जैसे पल्स आपको फील नहीं होता है तो स्लोली हम क्या करते हैं, वाल को हम ओपन करते हैं, वाल ओपन करते हैं तो बल्ब से स्क्वीजिंग स्टार्ट होती है, इन्फ्लेशन ऑफ द बल्ब की, तो उस वजह से फिर साउंड स्टार्ट होना शुरू होता है। जैसे आर्टरी कम्प्लीटली बंद होता है तो साउंड नहीं आएगा, जैसे आर्टरी स्टार्ट होती है तो साउंड आपको शुरू होगा, साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे कम्प्लीटली आर्टरी ओपन होता है तो साउंड फिर क्या होता है, बंद होता है। जैसे साउंड स्टार्ट होते हैं उसको हम सिस्टोलिक कहेंगे, जहाँ पे साउंड आपके पास ख़त्म होते तो उसको हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक। एक दफ़ा फिर सुन लो, हमारे पास जैसे हम प्रेशर देते हैं तो आर्टरी आपके पास बंद होती है तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, जैसे साउंड स्टार्ट होता है तो सिस्टोलिक वहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 120 से स्टार्ट हुआ। फिर नीचे जैसे कम्प्लीटली आर्टरी ओपन होता है तो आपके पास साउंड ख़त्म होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है साउंड तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक है। 120/80 आपके पास क्या हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। ये कफ को हम डिफरेंट आर्टरी से, ब्रिकल से हम चेक कर सकते हैं, रीडल से हम चेक कर सकते हैं, पॉपलीटल से, डोर्सल पेडस से, ये डिपेंड करता है डिफरेंट जगहों पर हम इसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर एक जगह में सर्जरी हो गई हो या इंसान के हाथ जो है वो उसकी इम्पोर्टेशन हो गई हो तो फिर हम अल्टरनेट रास्ते जो है ये हमारे पास मल्टीपल हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे पास दो तरीक़ों से हम चेक करते हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं, यूजुअली असेस द अपर आर्म इफ पॉसिबल देन थाई इज अल्टरनेट ऑप्शन। अपर आर्म से हम चेक करते हैं, उसमें पॉसिबल नहीं है तो फिर हम थाई से चेक करते हैं। डायरेक्ट इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं, इंसर्ट करते हैं हम एक आर्टीरियल लाइन, आर्टरी में हम एक आर्टीरियल लाइन इंसर्ट करते हैं, ब्रिकल रीडल फेमोरल आर्टरी में। आर्टीरियल प्रेशर इज रिप्रेजेंट एज वेव लाइक फॉर्म डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। फिर वही हमें मॉनिटर में हमें प्यार क्या होता है, डिस्प्ले होगा, वही ब्लड प्रेशर हमें मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इन्वेसिव बीपी हैं, मर्करी है, डिजिटल है एंड एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड विद मर्करी ऑल दो स्मॉल डिस्पेंसरी बिटवीन डायस्टोलिक्स बीपी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि बाकी उसकी क्या है वो सेम होता है ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल वाइटल साइन है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन में हम नॉन इन्वेसिव मेथड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम पल्स अक्स, हमारे पास जो ये फिंगर को लगा उसको हम क्या कहते हैं, पल्स अक्स कहते हैं। पल्स अक्स हम फिंगर को लगाते हैं तो उसके थ्रू हम क्या है, हमें SaO2 हमें नज़र आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो रहते हैं। तो पल्स अक्स हमारे पास मल्टीपल्स साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, हम उसको फिंगर पे भी लगा सकते हैं, टो पे भी लगा सकते हैं, नोज़ पे भी लगा सकते हैं, ईयर लोब पे भी लगा सकते हैं, फोरहेड पे भी लगा सकते हैं। बच्चों में हम क्या करते हैं, हम हैंड और फुट के अराउंड भी हम लगाते हैं। ये बात याद रखना कि बच्चों में हम पल्स अक्स उसके पाँव या उसके हाथ के अराउंड हम लगाते हैं तो उसके डिफरेंट शेप में आते हैं। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, पेन है। पेन आपके पास सिंगल डायमेंशन स्केल है, दियर इज स्केल असिस द सिंगल डायमेंशन पेन्स ऑल दो पेशेंट सेल्फ रिपोर्टिंग मेजरमेंट इन। पेन आपके पास क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है। क्या है, सब्जेक्टिव है पेन का, हमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि हम उसको मेजर करते हैं। MCQs में आया कि पेन आपके पास क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं है। अगर किसी ने कहा कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की मर्जी से हम मेजर करते हैं,
खुद से हम इसको कोई आला नहीं है कि हम उसको मेजर कर लें। फॉर एग्जाम्पल किस तरह एक सिंगल डायमेंशनल एक मल्टीपल डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स पेन लोकेटेड एज विल एज सम केस इम्पैक्ट एंड पेन हैव नो पेशेंट एक्टिविटी और मूड। ये आपके पास क्या है, पेन के दो स्केल्स हैं। एक स्केल आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल। दूसरा आपके पास फेशियल स्केल है। न्यूमेरिकल स्केल में आप देखते हो कि 0 से 2 तक होगा तो 0 होगा नो पेन होगा, फिर 1-2 तक होगा तो आपके पास 3 तक माइल्ड पेन है, 3 से अबव होगा तो आपके पास 5 तक मॉडरेट है, फिर 6-7 आपके पास 4-6 तो आपके पास क्या है सीवियर है, सही। फिर 7-9 जो है आपके पास वेरी सीवियर है, फिर आपके पास वर्स हैं। ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों के साथ क्या किया उसने डिवाइड लिया। आपने जस्ट ये याद रखना है कि पेन स्केल में आपके पास सीवियर कहाँ से हैं, वेरी सीवियर क्या है, वर्स क्या है, और उसके आंखों से अगर पानी बहता है, वो कहते हैं मुझे पेन है और उसके आंखों से पानी निकलता है, तो इसमें उसका क्या है वर्स पेन है। तो ये आपने क्या करना है देखना है। ये फेशियल स्केल जो है हम बच्चों में देखते हैं, बड़ों से हम पूछते हैं कि मतलब 100% में आपको कितना परसेंट आपको क्या है पेन है, तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं। आप लोगों का एक असाइनमेंट रिव्यू द आर्टिकल्स ऑन पेन इन इशू 2। पेन और इशू 2 पे आप एक आर्टिकल को क्या कर लो, रिव्यू कर लो। जो बेस्ट बुक है आपके लिए क्विजर एंड एप्स का है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इस बुक्स को आप क्या कर लो, उस बुक्स को आप पढ़ लो। ये एक आर्टिकल्स हैं।